क्या आप एक सीनियर अकाउंटेंट है और इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब भी आप कमेंट करते हैं काफी प्रोत्साहन बढ़ता है मेरा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वीडियो देख के आपको एक आइडिया जरूर मिलेगा कि कैसा तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आपको लगता है आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है या सैलरी हाइक नहीं हो पा रही है स्किल्स के कारण, तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा कोर्सेज आप ले सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर कोलकाता में 4 लोकेशन पे है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी अगर क्वेरी है कि कैसे मैं इंटरव्यू में और कोशिश करके क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो जरूर पूछेगा, हम जरूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ आपके लिए। ये रहा हमारा स्क्रीन। चलिए स्लाइड शो ऑन करते हैं। कैसे तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। जरूर आप बताइए कि आपको क्या लगता है। ट्रेडिंग अकाउंट तो आपने देखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्यों आता है आखिर? तो आप बोलोगे मैम मुझे नहीं आइडिया है, या सोच में पड़ जाओगे। अगर आपको आइडिया है तो कमेंट जरूर कीजिए। आपको क्या लग रहा है कि क्यों क्रेडिट साइड में आ रहा है ट्रेडिंग के क्लोजिंग स्टॉक? तो अगर मैं थोड़ा इंग्लिश में आपको बताऊं तो इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीड्स टू बी मैच्ड अगेन अगेंस्ट द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ दोज गुड्स। तो आप बोलोगे मैम इंग्लिश में प्लीज मत बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ऑब्वियसली थोड़ा इशू होता है समझने में क्योंकि वर्ड्स अजीब से होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीड्स टू बी मैच, मतलब मैचिंग कंसेप्ट के बारे में बात हो रहा है। तो आखिर ये है क्या? मैं आपको एक्सेल में एकदम इजी वे में समझाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सेल में जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ आपके लिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप, परचेज दिया हुआ है कितना, मैं दो जो है पेन सपोज 10 रुपए में मैंने खरीदा। कितना रुपए में मैंने दो पेन खरीदा है? मैंने दो पेन 10 रुपए में खरीदा है, ठीक है। और मैंने एक पेन बेचा है 6 रुपए में। थोड़ा सोचना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आप खाली इसको देखते हो कि 6 रुपया आपके क्रेडिट साइड में है और 10 रुपया डेबिट साइड में है, तो आप लोग मेरे को सिंपली बोलोगे मैम लॉस लॉस लॉस। नहीं भैया, लॉस कहाँ हो रहा है? यहाँ लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ अगर देखोगे तो दो पेन को क्या हम एक पेन से कंपेयर कर सकते हैं? दो पेन का वैल्यू है 10 रुपया, तो एक पेन का वैल्यू कितना होगा? 5 रुपया। एक पेन का दाम है 5 रुपया और एक पेन को हम बेच रहे हैं 6 रुपया में, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है कि 1 रुपये का प्रॉफिट जो है हमारा हो गया है। तो यहाँ पर तो दो स्टॉक है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक है, तो इन दोनों को हमको मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैचिंग के लिए हमको किस साइड क्लोजिंग स्टॉक लिखना है? यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर लिखना है? सीन्स हमारा जो क्रेडिट साइड है उसमें एक ही स्टॉक है और डेबिट साइड में दो स्टॉक है, तो हमको क्रेडिट साइड में स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना का लिखेंगे? अगर हम लिखेंगे तो हम एक स्टॉक लिखेंगे कितना? 5 रुपए का। तो आप बोलोगे मैम 5 रुपया में क्यों लिखा आपने क्लोजिंग स्टॉक, 6 रुपये में क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो उसका जो नेट रियलाइजेबल है या जो कॉस्ट है विच एवर इज लोअर में उसको हमको वैल्यू करना है। तो आप अगर क्रेडिट साइड में देखो तो 11 रुपया है और डेबिट साइड में देखो तो 10 रुपया है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 1 रुपया। तो आप देख सकते हैं अगर हमको स्टॉक को मैच करना है इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड में हमारा दो स्टॉक आ रहा है और क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक सेल का आ रहा है, तो हमको एक स्टॉक और लिखना पड़ेगा। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? आप बोलोगे मैम ये क्या है, आज आप कहां से क्वेश्चन ला रहे हो? अगर आप एक सीनियर अकाउंटेंट है, ये सारी चीजें ना गांठ बांध लो, पूछा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम सरल सा क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाए। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आखिर है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेफर टू डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग द गुड सोल्ड बाय अ कंपनी। तो बेसिकली जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, उसका डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, उसको प्रोड्यूस करने का आखिर खर्चा क्या है? इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एक्सपेंसेस डाटा डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन, बट डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट एक्सपेंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेल्स फोर्स कॉस्ट। तो बेसिकली जितना भी हमारा डायरेक्ट खर्चा है, परचेजेस है, वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगर मैं सिंपल सा आप लोगों को मीनिंग बताऊं, तो इसका मतलब ये है कि जो हम बेच रहे हैं उसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है जो हम बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोगों को देखना है। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक जो भी है हमारा उसको ऐड करेंगे। किससे ऐड करेंगे, परचेजेस से। फिर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लेस करने वाले हम, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये हम लेस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपका क्वेश्चन एकदम सिंपल सा होगा कि मैम ठीक है, आपने ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया, परचेजेस को ऐड किया, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड किया, भैया क्लोजिंग स्टॉक को लेस क्यों कर दिया? मैंने इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया है, सिंपल मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमको क्या ढूंढना है, हमको ये ढूंढना है जो हम बेच रहे हैं उसका टोटल कॉस्ट कितना है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक को बेचा ही नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। और एक तरीका है सेल्स माइनस जीपी। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है अगर हम उसको लेस करते हैं तो जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसका क्या आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है। क्योंकि आखिर में देखा जाए तो सेल्स में हम लोग क्या ऐड करते हैं, हम लोग मार्जिन लगाते हैं और तब बेचते हैं। आज आप 10 रुपए का सामान 10 रुपए में तो नहीं बेचोगे, कुछ मार्जिन लगाओगे, राइट? तो ये जो जीपी है अगर हम हटाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने का जो हम बेच रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। आखिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या अंतर है? देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इंक्लूड करते हैं और जो अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रिलेट करता है सेल्स को, जैसे सेलिंग एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, कमीशन हो गया सेल्स का, वो हम हटा देते हैं, वो हम इंक्लूड नहीं करते, राइट? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फोकस प्योरली ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, बनाने का खर्चा। कॉस्ट ऑफ सेल प्रेजेंट अ मोर कंप्रीहेंसिव पिक्चर इंक्लूडिंग सम सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स कमीशन, वो सारा चीज जो ऐड है करना होता है वो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब अदर देन दैट, जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई क्विक रेशियो इज बेटर देन करंट रेशियो। तो आज आप बोलोगे मैम आपका जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा ग्रीक में लग रहा है, आप क्या पूछ रहे हो? अरे सीनियर अकाउंटेंट हो तुम लोग, ये याद रखो, यू आर सीनियर अकाउंटेंट। जब तुम लोग जाओगे ना, आप अभी है ना, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ये क्विक रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है। करंट रेशियो बोलता है कि क्या मेरा करंट एसेट सफिशियंट है मेरे करंट लाइबिलिटी को कवर करने में, क्या मेरा करंट एसेट। अब आप बोलोगे मैम ये करंट एसेट क्या है, करंट एसेट का मतलब हो गया मेरा स्टॉक हो गया, मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, डेटर हो गया, मेरा बैंक हो गया, कैश हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये सारे मेरे करंट एसेट है जो मेरा
ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है या रियलाइज हो जाता है, मतलब 12 महीना के अंदर जो है वो रियलाइज हो जाता है, कन्वर्ट या कंज्यूम कुछ भी हो जाता है, राइट? तो उस केस में वो करंट एसेट होता है। क्या मेरा करंट एसेट सफिशियंट है करंट लाइबिलिटी को कवर करने में? क्या मैं उतनी सक्षम हूं कि मैं अपना करंट एसेट जो है बेच दूं या कंज्यूम कर लूं तो मेरा करंट लाइबिलिटी का जो खर्चा है, जो मुझे पेमेंट करना है, वो कवर हो जाए? दैट इज करंट रेशियो। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या क्विक रेशियो बेटर है करंट रेशियो से? अब हम लोग क्विक रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो दैट इज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ये हो गया हमारा करंट रेशियो। लेकिन क्विक रेशियो में क्या होता है ना, क्विक रेशियो मतलब इजिली रियलाइजेबल हाईली लिक्विड एसेट। इसका मतलब क्या, बहुत भारी भरकम शब्द में बोल रही हूँ, इसमें सिंपली क्या है, सीए माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, और किसको इंक्लूड नहीं करते हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंस जो है उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो क्यों नहीं इंक्लूड करते हम लोग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को, थोड़ा समझने का कोशिश करो। अब हमारा करंट एसेट का एक क्या बोलते हैं ना, मेरे पास करंट एसेट है, उसमें इन्वेंट्री है और प्रीपेड एक्सपेंस है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब पहले तो इन्वेंट्री बिकेगा, जरूरी नहीं है कि कैश में ही बिक जाए, हो सकता है वो डेटर में कन्वर्ट हो, फिर डेटर से वो कैश में कन्वर्ट हो, तो इतना लिक्विड नहीं है, जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत कन्वर्ट नहीं होता है। और अगर हम प्रीपेड एक्सपेंस की अगर हम बात करें, तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या, पहले से आपने पेमेंट किया है, बाद में आपको क्या पैसा मिलेगा, क्या रेडिली कन्वर्ट होगा? नहीं, पैसा तो मिलेगा नहीं, सर्विस मिलेगा आपको, राइट? तो प्रीपेड एक्सपेंस को भी हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट का मतलब जो हाईली लिक्विड एसेट है, जो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो वो ज्यादा सक्षम है मेरे करंट लाइबिलिटी को पे करने में। तो दैट इज अ गुड टेस्ट। क्यों गुड टेस्ट है, अच्छे टेस्ट क्यों है, क्योंकि वो बताएगा क्या मैं उतनी सक्षम हूँ। सक्षम कैसे, अब देखो अगर इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्री को टाइम लगता है, पहले इन्वेंट्री डेटर में कन्वर्ट होगा, डेटर फिर कैश में कन्वर्ट होगा, तो टाइम लगता है, तुरंत तुरंत कन्वर्ट होना जरूरी नहीं है। और प्रीपेड एक्सपेंस तो कैश में अवेलेबल है ही नहीं, वो तो सर्विस में अवेलेबल है, राइट? तो इसलिए ये सारे खर्चों को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो क्विक रेशियो फोकस ऑन हाईली लिक्विड एसेट एंड एक्सक्लूड इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो हाईली लिक्विड पानी की तरह एसेट है, ठीक है, वो उसको फोकस करता है। तो क्विक रेशियो जो है वो ज्यादा आपको अच्छे से कंपनी की पोजीशन बता सकता है। अब देखिए इन्वेंट्री क्या होता है ना, ऑब्सोल्यूट भी होता है। ऑब्सोल्यूट का अगर हिंदी में रूपांतरण करूं तो ऑब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि वो मतलब पुराना हो गया है, ओल्ड फैशन हो गया है, तो उतना वो चलने लायक नहीं रहा। तो तुम उसके भरोसे बैठे रहोगे क्या कि हम उसके भरोसे बैठे रहते हैं, करंट लाइबिलिटी को हम उससे पे करेंगे? अरे भैया उसके भरोसे थोड़ी ना हम बैठे रहेंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन, व्हाई डू वी रिकॉर्ड एक्सपेंस इन द करंट ईयर इवन दो द सेम इज आउटस्टैंडिंग? हम खर्चे को एक पर्टिकुलर ईयर में ही क्यों रिकॉर्ड करते हैं अगर उस साल का खर्चा है, जबकि वो अभी तक पे मैंने किया नहीं है, मैंने पे अभी तक किया नहीं है, फिर भी मैं खर्चा रिकॉर्ड कर रही हूँ? आप लोग बता दो यार, ये बहुत आसान है, कमेंट कर दो क्या लग रहा है, क्यों आप क्यों करते हो? इसका रीजन है अक्रूवल। देखो ऐसा सब भारी भारी भरकम भरकम शब्द दे देता है, अक्रूवल मैचिंग, समझ में ही नहीं आता है। अक्रूवल का मतलब क्या है, जिस साल का खर्चा उसी साल को साझे, मतलब अगर नेक्स्ट ईयर जो है जिस साल का खर्चा है ना उसी साल आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर इवन इफ आप पे कर रहे हो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पेमेंट बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, अक्रूवल बेसिस पे, जैसे ही वो ड्यू हो गया वैसे ही हम रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हाई असेट टर्नओवर रेशियो इज कंसिडर्ड गुड? देखिए मैं एक बात आपको बताती हूँ, पर्सनली मैं चाहती हूँ आप लोग अपने लाइफ में ग्रो करें, तो ग्रो करने के लिए ना थोड़ा ऊपर जाना होगा,
अगर इंसान नीचे की तरफ देखता रहेगा ना, वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। हमेशा मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जब आगे बढ़ना हो ना, तो हमेशा पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। क्योंकि मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, मुझे पता है कि बहुत मेहनत लगती है। तो अगर लाइफ में कुछ बनना है, तो हमेशा आप जो है डिफिकल्ट लेन जो है, रास्ता जो है, वो चुनिए। ओके, तो मेहनत करते रहो, जितना हो सके पढ़ते रहो, और अपना मैनेजेरियल स्किल्स भी डेवलप करना सीख। ठीक है, चलिए। व्हाई हाई असेट टर्नओवर रेशियो इज कंसिडर्ड गुड? व्हाट इज असेट टर्नओवर रेशियो, हाई असेट टर्नओवर रेशियो? तो टर्नओवर डिवाइडेड बाय असेट। जैसे सपोज करो, स्किल शॉट में मैंने कंप्यूटर खरीदा। अब कंप्यूटर मैंने लाख रुपए का खरीदा है, उससे अर्निंग, जो अर्निंग नहीं, उससे मेरा टर्नओवर है 5 लाख। अच्छा है या बुरा है? कंप्यूटर मैंने 1 लाख का खरीदा है और मेरा टर्नओवर है 5 लाख का, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है भैया, इतना भारी भरकम कंप्यूटर को हम इतना यूज कर रहे हैं, इतना यूज कर रहे हैं, तभी तो मेरा टर्नओवर हो रहा है, नहीं तो मेरा टर्नओवर कैसे होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो वही तो इम्पोर्टेंट है कि जितना हो सके क्या हम असेट को यूज कर पा रहे हैं। अगर हम असेट को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो टर्नओवर बाई असेट अगर हाई है, मतलब टर्नओवर 5 लाख है, असेट 1 लाख का है, मतलब 5 टाइम्स है मेरा टर्नओवर, तो बहुत अच्छे से मैं असेट को यूज कर पा रही हूँ, तो अच्छी बात है। वैसे ही डेटर, डेटर है 1 लाख का और टर्नओवर है 5 लाख का। क्रेडिट सेल्स, मेरा क्रेडिट सेल्स है 5 का, इसका मतलब मेरा जो डेटर है वो जल्दी जल्दी मैं रियलाइज कर रही हूँ, जल्दी जल्दी उससे पैसा ले पा रही हूँ, क्योंकि मेरा टर्नओवर क्रेडिट सेल्स ज्यादा है, उधार में जो सेल्स है ज्यादा है, लेकिन डेटर उस मुकाबले में कम है। अगर वो कम रहता, जैसे सपोज कीजिए मेरा टर्नओवर जो है क्रेडिट का, क्रेडिट सेल्स है 1 लाख और मेरा डेटर है 5 लाख, तो आप बोलोगे मैम आप काम क्या करते हैं, आप तो डेटर से रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं, पुराना डेटर पड़ा हुआ है, राइट? आप कर क्या रहे हो? आपका डेटर तो बढ़ते जा रहा है और आपका क्रेडिट सेल उस हिसाब से बहुत कम है हर साल का, तो मतलब वो पाइल अप होते जा रहा है, आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हो। वही है कि मोस्ट केसेस आर हाई एसेट टर्नओवर रेशियो इज कंसिडर्ड गुड सीन्स इट इम्प्लाइज दैट रिसीवेबल आर कलेक्टेड क्विकली, जल्दी जल्दी पैसा ले रहे हो, और फिक्स एसेट आप जल्दी से यूटिलाइज कर पा रहे हो, अच्छे से हेविली यूटिलाइज कर पा रहे हो, और आपका इन्वेंट्री आपके हाथ में कम है। जैसे इन्वेंट्री है 1 लाख का और मेरा सेल्स है 5 लाख का, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 5 लाख का, तो मतलब क्या है? मतलब आपका इन्वेंट्री क्या है, कम है आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मुकाबले में, तो अच्छी बात है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। होप मेरा जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ सको, होप समझ पा रहे हो या नहीं, थोड़ा अपना स्तर बढ़ाने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।